दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme C53 और Realme C55 फोन का बारे में। ये दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। Realme C55 फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया गया 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया। ये फोन में नॉच नहीं दिया, छोटा सा पांच होल दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया। यहाँ पे बात करें तो Realme C53 फोन, ये फोन में जो डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.74 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें पांच होल देखने को नहीं मिलेगा, इसमें क्वार्टर ड्रॉप नॉच दिया जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है। इसमें भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। तो डिस्प्ले में यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर रहेगा Realme C55 फोन, क्योंकि इसमें पांच होल मिल जाता है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो Realme C55 फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया। जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, सॉरी 2 मेगापिक्सल का वो कैमोड दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Realme C53 फोन, ये फोन में भी डुअल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का दिया जाएगा और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो सेल्फी कैमरा दोनों फोन में सेम मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो रियर कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली बेटर रहेगा Realme C53 फोन। ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे मार्केटिंग के लिए 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, ये मार्केटिंग के लिए इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का परफॉर्मेंस, प्रोसेसर का बात करें तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिलेगा। Realme C55 फोन में MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek Helio G88 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 की, यह क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली G52 MC2 जीपीयू मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Realme C53 फोन, ये फोन में दिया जाएगा Unisoc का प्रोसेसर, Unisoc T612 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड 1.8 गीगा क्लॉक स्पीड पर चलता है। ये कंफर्म नहीं है, प्रोसेसर लीक्स के थ्रू पता चला इसी प्रोसेसर के साथ आएगा, प्रोसेसर अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। दोनों फोन का वॉइस यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, साथ में Realme UI दिया गया है। वारंट का बात करें तो Realme C55 फोन दो वारंट पर लॉन्च किया गया। जो बेस्ट वारंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जो हायर वारंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यहाँ पे बात करें तो Realme C53 फोन ये भी दो तीन वारंट पर आएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, जो सेकंड वारंट होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। हो सकता है इसमें और एक वारंट दिया जाए 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड भी एक्सपेक्टेबल कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में बैटरी सेम दिया गया, 5000mAh का बैटरी मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो Realme C55 फोन में इसमें 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Realme C53 फोन, इसमें 18W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB टाइप सी दिया गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। दोनों फोन में 3.5mm ADI जैक भी दिया गया है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, फेस अनलॉक भी मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाता है। ग्लासी फिनिशिंग बैक दिया गया, लेकिन ग्लास देखने को नहीं मिलता है, प्लास्टिक यूज किया गया। दोनों फोन में बॉक्सी टाइप डिजाइन दिया गया, डिजाइन काफी अच्छा बढ़िया देखने को मिलेगा। डिजाइन यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रहेगा Realme C53 फोन का, ये फोन का डिजाइन होगा जैसे Realme 9i फोन में डिजाइन दिया गया, कुछ सेम ऐसे ही डिजाइन देखने को मिलेगा Realme C53 फोन का, काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन के साथ आने वाला है। दोनों फोन में ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन का प्राइस का। Realme C55 फोन का बात करें तो ये फोन का जो बेस्ट वारंटी है
4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है ये फोन। अभी अवेलेबल है 10,999 रुपीज पर आता है, और जो हायर वारंटी है 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है ये फोन का प्राइस है 13,999 रुपीज पर आता है। यहाँ पे बात करें तो रियलमी C53 फोन, दोस्तों ये फोन लॉन्च होने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये फोन का प्राइस कन्फर्म नहीं बता सकते, मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। ये फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में 19 जुलाई को, तो कन्फर्म प्राइस पता चलेगा 19 जुलाई को। तो ये फोन का एक्सपेक्टेड प्राइस बता दें, ये फोन का जो बेस्ट वेरिएंट होगा 4GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है, ये फोन का प्राइस होगा 10,999 रुपीज या फिर हो सकता है 11,999 रुपीज पर आ जाए। और जो सेकेंडरी वारंट होगा, जो सेकेंड वारंट होगा, ये वारंट का प्राइस होगा 13,000 और जो हायर वारंट होगा 14,000 रुपीज पर मिल जाएगा। तो इसी प्राइस रेंज पर देखने को मिलेगा 10 to 13,000 या फिर 14,000 का अंदर ये फोन का प्राइस रहने वाला। ये फोन का प्राइस कंफर्म नहीं बता सकते, अगर आप ये फोन लॉन्च होने से बाद में लॉन्च होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे मैं कंफर्म प्राइस अपडेट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं ये दोनों फोन कन्फ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दो तीन चीज का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। रियलमी C55 फोन का बात करें तो ये फोन में दो चीज बढ़िया दिया गया है। पहले तो ये फोन में 5 वोल्ट डिस्प्ले मिल जाता है, और सेकंड आपको ये फोन में फास्ट चार्जर मिल जाता है, 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे बात करें तो रियलमी C53 फोन, इसमें भी दो तीन चीज बढ़िया देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसमें जो रियर कैमरा है आपको इसमें रियर कैमरा बढ़िया देखने को मिलेगा, और इसमें जो डिजाइन है डिजाइन आपको बेटर देखने को मिलेगा बैक साइड का। लेकिन इसमें सामने आपको 5 वोल्ट नॉच देखने को मिलेगा, डिस्प्ले में इसमें नॉच दिया गया, 5 वोल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कुछ चीज बढ़िया दिया गया, जो रियलमी C53 फोन है इसका हाईलाइट है 108 मेगापिक्सल का कैमरा और इस फोन का डिजाइन। यहाँ पे बात करें तो रियलमी C55 फोन, ये फोन का हाईलाइट इसमें 5 वोल्ट देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में, और इसमें आपको जो फास्ट चार्जर है 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप पर, अगर आपको कैमरा थोड़ा बेटर चाहिए इस प्राइस रेंज पर तो आप ये पर जा सकते हैं रियलमी C53 फोन के तरफ। अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए, 5 वोल्ट डिस्प्ले चाहिए तो आप ये पर जा सकते हैं रियलमी C55 फोन के तरफ। प्राइस पर यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, 500,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा या फिर सेम प्राइस पर दोनों फोन देखने को मिल जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो का ये पकड़े मतलब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए, और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो भी लगने का उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग ऐसे ही मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो का पकड़े मतलब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।